तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि आजकल की दुनिया एक नंबर की मतलबी है और यदि कोई व्यक्ति आपको खूब ज्यादा सम्मान दे रहा है तो इसका मतलब है कि उससे आपको कोई ना कोई काम है और अपना मतलब वो आपसे निकलवाना चाहता है और ऐसा हुआ है भारत और यूरोपीय संघ के किस्से में। अब आप सभी को पता है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बाद जब यूरोप में सर्दियां आई तो यूरोप वालों ने भर भर के भारत से रूसी कच्चे तेल के रिफाइंड प्रोडक्ट जैसे डीजल पेट्रोल और गैसोलीन वगैरह खरीदे, जबकि यूरोप वालों को पता था कि यह सारा जो माल है वो रूस के कच्चे तेल को रिफाइन करके भारत बना रहा है और हमारे यहाँ पर बेच रहा है, परंतु इनको भारत से जरूरत थी तो इन्होंने अपनी आवश्यकता के अनुसार भर भर के भारत से रिफाइन प्रोडक्ट खरीदे कच्चे तेल के। पर आप सभी को भी पता है कि भारत की मदद से यूरोप की सर्दियां बड़ी अच्छे और आराम से निकल चुकी हैं और जैसी ही सर्दियां खत्म हुई है तो यूरोप वालों ने अपना असली रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया है और भारत से रिफाइंड रूसी कच्चे तेल के प्रोडक्ट अब यूरोप वालों को कड़वे लगने लगे हैं। और यूरोप के जो उप प्रमुख हैं जिनका नाम बोल्डेस डोम्ब्रोस्की है, वो अभी फिलहाल में भारत की यात्रा पर हैं और इन्होंने भारत और रूस के बीच में बढ़ते हुए व्यापार के सवाल के जवाब में यह बोला कि रशिया के ऊपर पश्चिमी देशों की तरफ से कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे और हम इस बात से काफी ज्यादा चिंतित हैं कि भारत से जो कच्चे तेल के रिफाइंड प्रोडक्ट हैं जैसे कि डीजल पेट्रोल और गैसोलीन वगैरह वो बहुत भारी भरकम मात्रा में यूरोप के बाजार में बेचे जा रहे हैं, जिससे हमारे द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन हो रहा है और अब हम चाहते हैं कि इन कच्चे तेल के उत्पादों को हमारे मार्केट में आने से रोका जाए, क्योंकि रूसी कच्चे तेल के रिफाइन प्रोडक्ट हमारे मार्केट में बिकने से रूस को वित्तीय सहायता पहुंच रही है और रूस यूक्रेन के ऊपर और तगड़ा हमला कर रहा है। फिलहाल में आप सभी के इस टॉपिक के अंदर क्या राय है और यूरोप वाले जो भारत के माल के प्रति अपना दोहरा रवैया अपना रहे हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में। फिर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।